हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि आपका मॉर्निंग क्लास में क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। तो सभी रेडी हो टेस्ट देने के लिए? सभी तैयारी करके आए हो? तो देखते हैं कितना क्या कर पाते हो। इससे पहले हम 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं जो स्टूडेंट अभी तक नहीं आए उनके लिए, तब तक हम जो रूल है वो बता देते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल था कि टेस्ट से 10 या 5 मिनट पहले सभी को उपस्थित हो जाना है। जैसे कि आप हो चुके हो, अच्छी बात है, आप पहले आए, ठीक है, हमेशा ऐसे ही रहना, पहले आपको आना है 10 या 5 मिनट पहले टेस्ट से, ठीक है। सेकंड नियम था कि टेस्ट से पहले सभी को एक पेज में उत्तर कुंजी बनानी है। ये भी आपने सेट कर ली होगी कि जो आंसर की है वो भी आपने सेट कर ली होगी। कैसे बनानी थी आपको आंसर कुंजी? यार हाँ, कि 3 कतारें, प्रत्येक कतार में 10% के उत्तर होने चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार कि ऐसे आपको बनानी है। अगर आपने नहीं बनाई है तो जल्दी से बना लीजिए कि 1 से 10, ठीक है, 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30, 3 रो बनानी है, 3 सेट आपको बनाना है, ठीक है। एक में मान लीजिए कोई सा भी आपने राइट आंसर दिया है, मान लीजिए ए ऑप्शन है, जस्ट इसके आगे लिखना है, ठीक है, इसके जस्ट आगे आपको लिखना है इनके राइट आंसर, ए में, बी में, सी में, ऐसे लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे इसमें का लिखना है, जैसे बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ऐसे आपको तीनों, यानी लास्ट में क्या करना है, 30 क्वेश्चन तक इनको वैसे ही आपको राइट आंसर आंसर देने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे ऊपर जो आपकी कॉपी है जो आंसर की रहने वाली है उसके सबसे पहले आपका नाम लिखना है, और कौन सी क्लास है और आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, अर्थात प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो, जेट की कर रहे हो, ICAR की कर रहे हो, BHU कर रहे हो, CGPAT की कर रहे हो, या MPPAT की कर रहे हो, या फिर कोई अदर की कर रहे हो, ठीक है। वो आपको लिखना है, ये तीनों ऑप्शन आपको लिखने हैं कि नेम, क्लास और प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो, ये तीनों लिख दिए, फिर आपकी आंसर किंची हो जाएगी। और आपको सेंड कहाँ पर करनी है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और आपको याद रखना इस बात का जरूर ध्यान, अगर मान लीजिए आपने एक में, ठीक है, एक में एक बार अगर आपने जो आंसर लिख दिया, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, अगर आपने एक बार जो लिख दिया ये सर्वमान्य है, इसे आप रॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है, इसे आप मिटा नहीं सकते। अगर आपने मिटाया तो ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा और आपका माइनस मार्किंग होगी। और अगर बात की जाए माइनस मार्किंग है तो 1/3 है, ठीक है, 1/4 नहीं है, आपकी 1/3 माइनस मार्किंग होगी इन 30 क्वेश्चन में। कैसे? यहाँ 3 क्वेश्चन अगर आपने राइट आंसर नहीं दिए, अर्थात गलत कर दिए, तो जो आपका एक राइट आंसर है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो आपका काट दिया जाएगा, 3 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। इसलिए अगर जो आता है क्वेश्चन उसी को रिप्लाई करना, नहीं तो कमेंट नहीं करना, और आपको यानी जो आंसर की है उसमें आंसर नहीं लिखना है, ओके। तो ये आप फॉलो कर लोगे। इसके बाद में क्या करना है आपको, जो सेंड करनी है, ठीक है, जो आंसर की है इसकी सेंड कहाँ पर करनी है, तो इसके लिए मैंने स्पेशली आपको नंबर दे रखे हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। और जस्ट यार हाँ, टेलीग्राम भी ऐसे ही है, टेलीग्राम हमारे चैनल के नाम से ही, अगर आप नहीं हो जुड़े हो अभी तो सर्च कर लीजिए एग्री लर्नर्स पॉइंट, वैसे आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो आपकी आंसर की है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजनी है, बल्कि मेरे को पर्सनली भेजनी है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ये है, तो इन पर आप डायरेक्ट जो आंसर की है इसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 3 मिनट का नहीं है, कुछ शॉर्ट हो जाता है, इसलिए 5 मिनट का टाइम है आपके पास। कि जैसे ही आंसर की होती है, जैसे ही आपका आंसर सबमिट होता है, इसके लिए 5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, इस 5 मिनट में आपको आंसर की सबमिट कर देनी है। और जो स्टूडेंट इन 5 मिनट में अगर आंसर की सबमिट नहीं कर पाया तो उसका जो कॉफ़ी है वो जांच नहीं होगी। अगर आप लेट होते हो तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए जस्ट आपको यानी तुरंत जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होता है, तुरंत आपको आंसर की है ये आपकी फ़ोटो लेकर डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप करनी है या फिर टेलीग्राम चैनल पर भेज देनी है, ठीक है। तो चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं।